हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो वीडियो आज का ये है दोस्तों कि XT4000 NX ऑडियो प्रोटोन में हम कितने वाट का बेस और कितने वाट का टॉप चला सकते हैं, और ये वाला एम्पलीफायर बेस के लिए परफेक्ट रहेगा या टॉप के लिए परफेक्ट रहेगा, ये हम बात करेंगे। और कौन सा क्लास में आता है और डंपिंग फैक्टर इसका क्या है और इसका वेट कितना होने वाला है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं डीजे रॉक चैनल। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनने वाला है आज, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और अभी लाइक कर दें इस वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं इस एम्पलीफायर के बारे में। तो XT4000 NX ऑडियो प्रोटोन जो हमारा एम्पलीफायर है, वो आ जाता है हमारा क्लास H एम्पलीफायर में। तो ये बेस के लिए परफेक्ट रहेगा और टॉप के लिए भी अच्छा रहेगा। इसमें टॉप भी बजाइएगा तो साउंड क्वालिटी जो है पंची पंची टाइप से हमें साउंड मिलने वाला है। तो इसमें टॉप भी बजा सकते हैं और बेस भी स्पीकर इसमें बजा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका डंपिंग फैक्टर होने वाला है, इसका 500 डंपिंग फैक्टर है इसमें दिया हुआ है, और इसका वज़न है 33 KG। तो अब बात करें दोस्तों हम बेस इसमें कितने वाट का इसमें हमारा परफेक्ट साउंड मतलब देगा इसमें। तो हम शुरू करते हैं 8 ओम से। तो 8 ओम की बात करें तो हमारा इसमें मिल जाता है 850 वाट। तो इसमें हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा 600 वाट का एक स्पीकर एक चैनल में, तो हमारा पंच काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और लॉन्ग थ्रो के लिए परफेक्ट रहेगा 600 वाट का एक स्पीकर एक चैनल में। अब बात कर ले 4 ओम में, तो 4 ओम में इसमें मिल जाता है 1250 वाट। तो इसमें भी 600 वाट का दो स्पीकर एक चैनल में हम इसमें बेस स्पीकर चलाएंगे, तो 600 वाट का दो बेस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हमारा बेस का मतलब कैलकुलेशन कितने कितने मतलब इसमें कितने वाट का बेस इसमें चलाना है। अब बात कर लेते हैं ब्रिज मोड में, ब्रिज मोनो 4 ओम में इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 8 ओम का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें 4 ओम में हमारा आ जाता है 3200 वाट। तो इसमें सिंपली हम 1500 वाट का और 1500 वाट का बेस बजाएंगे, दो 1500 वाट का दो बेस हम चलाएंगे ब्रिज मोड में, तो ये हमारा हो जाएगा 3000 वाट। तो इसमें 3200 वाट वो आउटपुट इसमें हमें मिल जाता है, तो हमारा पंच का भी अच्छा आने वाला है इसमें। तो ये हो गया हमारा बेस के लिए। तो इसमें टॉप क्या क्या चलाना है हमें मतलब कॉलम, तो हम इसमें बात करते हैं 4 ओम से। तो हमारा एक कॉलम हो जाता है मतलब 4 ओम का, जिसमें दो स्पीकर होते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा 600 वाट वाला जो होता है हमारा स्पीकर, 600 वाला दो स्पीकर हमारे रहेंगे टॉप में, तो वो हो जाएंगे 1200 वाट। तो इसमें हम चलाएंगे 1200 वाट के एक कॉलम मतलब एक टॉप 1200 वाट के, या 1000 वाट मतलब 1200 तक इसमें हम डालेंगे, उससे कम भी रहेगा तो और अच्छा है। तो ये हो गया हमारा 1200 वाट का एक टॉप एक चैनल में, और 1200 वाट का टॉप एक चैनल में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2 ओम में। तो 2 ओम में हमारा हो जाएगा 700 प्लस 700 के दो पेयर, तो जैसे कि 700 वाट का दो पेयर हो जाएगा और 700 वाट का दो पेयर मतलब टॉप, तो 700 वाट का दो टॉप हम चलाएंगे एक चैनल में, जो हो जाएगा हमारा 1400 वाट। और इसमें 2 ओम में हमें मिल जाता है 1700 वाट, तो 1700 वाट इसमें हमें मिल जा रहा है, और हम इसमें लगा रहे हैं 1400 वाट, तो 300 एक्स्ट्रा रहेंगे। तो इसमें पंच का भी ज़्यादा आएगा, हमें पंची पंची टाइप से हमें पंच मिलेगा। तो ये हो गया 2 ओम के लिए हम लगाएंगे इसमें 700 वाट के दो टॉप एक चैनल में, और 700 वाट के टॉप दो चैनल दूसरे चैनल में 700 वाट के दो टॉप। तो दोस्तों, ये हमारा
XT4000NX ऑडियो प्रोटोन एम्पलीफायर के बारे में रिव्यू था। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।